हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं जो मैं पहले बता देती हूँ कि एम जे पी आर यू यूनिवर्सिटी मतलब रोहलखंड यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं महात्मा ज्योतिबा फूले रोहलखंड यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और सेमेस्टर के यानी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो हम देखते हैं कि उसको कैसे डाउनलोड करेंगे हम इसमें देखेंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे पहले स्टेप हम किसी किसी भी सर्च वाले ऐप पर चले जाएंगे हम इसमें गूगल पर जाएंगे पहले के बाद हम यहाँ पर ये सर्च आइकन दिख रहा है आपको गूगल का और हम यहाँ पर सर्च करेंगे एम जे पी आर यू एम जे पी आर यू एडमिट एडमिट कार्ड और ये सर्च करने के बाद जो पेज आएगा हमारे सामने उसमें फर्स्ट वेबसाइट जो होगी ठीक है ये फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट है इस पर हम जाकर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा और यहाँ पर हमें अपना रोल नंबर या फिर एस लॉग इन नंबर या फॉर्म नंबर अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अगर आप तो आपको फॉर्म नंबर मिलेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे और आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम अपना रोल नंबर टाइप करेंगे रोल नंबर यहाँ टाइप करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा वी का वी पर हम जाकर इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे और हमारे सामने हमारे एडमिट कार्ड ओपन हो जाएंगे ठीक है अब हम स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे ये देखिए ये हमारे एडमिट कार्ड रहा है हमें बीए फिफ्थ सेमेस्टर का आया है तो हमें बीए ए फिफ्थ सेमेस्टर का कर डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और डाउनलोड होने के बाद हमारे पास पी डी एफ़ ऐप होना ज़रूरी है क्योंकि ये पी डी एफ फॉर्म में पी डी एफ टाइप में होता है तो पी डी एफ ऐप ओपन करने के लिए पी डी एफ होना जरूरी है तो अब हम यहाँ पर जाके पी डी एफ ऐप पर हम अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं ये देखिए ये हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा इसी टाइप से हम बी ए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर तीनों ही सेमेस्टर के या किसी भी सेमेस्टर के हम एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड कर सकते हैं